हिंदुस्तान जिंक कंपनी का स्टॉक का प्राइस का टारगेट क्या हो सकता है? तो इसका अगर अपर टारगेट के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो 315 रुपीज़ इसका अपर टारगेट रहेगा। और इसका अगर लोअर टारगेट के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो 304 रुपीज़ इसका लोअर टारगेट रहेगा, पर मैक्सिमम चांसेस है 308 रुपीज़ ही रहेगा दोस्तों लोअर टारगेट, ठीक है। पर उसके बाद भी दोस्तों पैसा आपका है तो खुद एनालिसिस करके पैसा लगाओ, और ख़ुद को एनालिसिस करना भी आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि किसी भी फील्ड पर अगर आपको लॉन्ग टाइम तक टिके रहना है तो उस फील्ड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसका नॉलेज नहीं होगा तो दोस्तों किसी ना किसी एक टाइम आएगा आपको मार्केट से क्विट करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और कभी भी किसी से उधार लेकर पैसा स्टॉक मार्केट पर मत लगाए, क्योंकि भारी नुकसान पड़ सकता है और उसके वजह से आप डिप्रेशन पर भी जा सकते हो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना भी पड़ सकता है, और स्टॉक मार्केट पर भी कंसिस्टेंट काम नहीं कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, और हम किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए किसी को भी रिकमेंड नहीं करते। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।